कैसे सब लोग? तो भाई ट्रेडिंग में लॉस के कारण हो गए परेशान, चिंता मत कीजिए। वीडियो में कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके कारण आपको ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो वीडियो में मैं आपको दो ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप लोग ट्रेडिंग में हमेशा लॉस करते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो सभी लोगों को राम राम, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो को शुरू करते। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया है जिसके कारण मैं आपको बता पाऊंगा कि वो दो कौन सी चीज़ें जिसके कारण लोग हमेशा लॉस करते। तो यहाँ पर पहली बात आती है ट्रेडिंग करने का टाइम। तो लोग बहुत से लोग क्या करते हैं गाई, जैसे मार्केट खुलता है 9:15 को, तो सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 के बीच में मार्केट में कभी भी घुस जाते हैं और कभी भी एग्जिट करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि लोगों का जो लॉस है वो बढ़ जाता है और आपका कैपिटल काफ़ी ज़्यादा वाइप आउट हो सकता है। तो इसके कारण क्या होता है कि लोगों का लॉस बढ़ जाता है। और देखिए मार्केट में दो टाइमिंग पीरियड होते हैं जिस समय हम जब ट्रेड करते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलता है। तो वो दो टाइमिंग पीरियड कौन से मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुबह जब 9:15 को मार्केट खुलता है तो आपको 9:30 तक मार्केट में वेट करना है। 9:30 तक आपको पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सी दिशा में है या मार्केट कौन सी ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलेगा। तो आपको 9:30 से लेकर 11:30 के बीच तक और दोपहर में 1 से 2 बजे तक इन तीन घंटों में आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इन 3 घंटों में मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम पहले भी देखा गया है। क्योंकि गाइस ये देखिए मैंने ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और देखिए यहाँ पर जैसे 9:30 के 9:15 के बाद मार्केट खुलता है तो यानी 9:30 से लेकर 11:30 के बीच देखिए अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला है। और जैसे मैं यहाँ पर आगे लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 1 बजे से लेकर यहाँ पर 2 बजे तक ही देखिए यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड मतलब अब मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेट मिलता है और एक ट्रेंड में हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात यहाँ पर। और दूसरी बात आती है यहाँ पर आपकी दूसरी बात आती है आपका डिसिप्लिन। हर ट्रेडर तभी प्रॉफिटेबल हो पाता है जब वो अपने डिसिप्लिन से काम करता है, अपने सेटअप आने पर ही ट्रेड लेता है। गाइज आपको क्या करना है कि आपका प्रॉपर एक सेटअप बनाना है। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जब आपका खुद का माइंड यूज करके और ट्रेडिंग चार्ट को टाइम दे के अब खुद की जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे तब मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लॉस कभी नहीं करेंगे, मतलब लॉस करेंगे पर वो उतना ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि एक आपकी खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी और किसी की कॉपी की हुई स्ट्रैटेजी में बहुत फ़र्क होता है। जब आप खुद टाइमिंग कर दे के स्ट्रैटेजी बनाओगे तो उससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, आपके लॉस वो कम से कम होंगे। तो आपको ये दो बातें हैं, तो इन दो बातों में गौर करने की ज़रूरत है कि आपको जब डिसिप्लिन टूटता है तब बड़े लॉस लोग लेते हैं। अब वो कोई भी ट्रेडर हो, बड़े ट्रेडर भी क्या करते हैं जब उनका डिसिप्लिन टूटता है तो उनका लॉस भी बड़ा होता है। तो आपको इन दोनों बातों पे गौर करना है और अपने डिसिप्लिन से काम लेना है। जब आपका सेटअप बनेगा तभी आपको ट्रेड करना है। तो इसके कारण क्या होगा कि मार्केट से आप अच्छा पैसा निकल पाएंगे। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।